नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पूजा, आपकी होस्ट, आपकी योगा पार्टनर, और स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा फिटनेस में। बिस्तर पे लोग कई घंटों बिता देते हैं इस करवट से लेके उस करवट पर, लेकिन नींद नहीं आती। नींद एक ऐसी चीज है जो हमारे चाहने या ना चाहने से नहीं आती है। जीवन शैली में बदलाव, डाइट में बदलाव, या फिर शायद दोपहर में आप सो गए हैं, तो ये भी कारण हो सकते हैं। अगर आपको रात में नींद ना आने की समस्या है, तो आप बिस्तर पे बैठ के सोने से पहले ये योग कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कुछ सिंपल और सरल आसन बताने जा रही हूँ, जो आप नाइट टाइम में बेड टाइम कर सकते हैं। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आप इसका लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले योगाभ्यास के साथ, जिसका नाम है वज्रासन। बट वज्रासन में हम थोड़ा एक वेरिएशन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। हम लोग बैठेंगे पहले दंडासन में। दंडासन के बाद एक एक पैर को पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ के, अपने एड़ियों को बाहर की तरफ पॉइंटेड रख के, हम लोग इस तरह वज्रासन में आ जाएंगे। और वज्रासन में ही हमें थोड़ा सा अपने दोनों पैरों को वाइड रखना है, थोड़ा डिस्टेंस रखना है, और इसमें हमें करना है बालासन। यहाँ पे इस पोजीशन में हम कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ये एक रिलैक्सिंग पोजीशन है, जिसमें हमारे रीढ़ की हड्डी को, हमारे पैरों के मसल्स को बिल्कुल स्ट्रेच मिलेगा, आराम मिलेगा। क्लोज और फिर से वज्रासन में बैठेंगे। एक बार फिर देखेंगे चाइल्ड पोस्चर 30 सेकेंड्स के बाद वज्रासन की पोजीशन में आके फिर दंडासन में आ जाएंगे। हमारा दूसरा जो आसन है, उसका नाम है सुप्त बद्ध कोनासन। सुप्त बद्ध कोनासन के लिए हम इस तरह से बटरफ्लाई पोज ले लेंगे। दोनों पैरों के तलवों को हम आपस में जोड़ के रखने वाले हैं, और बटरफ्लाई के विंग्स के जैसे हम अपने पैरों को फैलाएंगे, और इसमें हमें धीरे धीरे नीचे लेट जाना है अपने कोहनियों की मदद से। पीठ पे लेट जाएंगे इस तरह से, और ये है हमारी सुप्त बद्ध कोनासन की परफेक्ट पोजीशन। आप हाथ को इस तरह से थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह नीचे जमीन पर भी रख सकते हैं। ये भी एक बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन है, जिसे हम होल्ड कर सकते हैं कम से कम 1 मिनट के लिए। इस पोजीशन में हमारे बॉडी पार्ट्स और हमारा माइंड एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इस पोजीशन को ड्रॉप करने के लिए हम अपने पैरों को सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, और बाद में हम इस पोजीशन को ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। हमारा अगला आसन है, उसका नाम है विपरीत करणी आसन, लेग्स टू द वॉल पोज। इस पोजीशन को करने के लिए हमें सीधे तरीके से अपने पीठ के बल लेट जाना है मैट पे। हमारे हाथ जो है वो हिप्स के पास रहेंगे, और फिर इनहेल करके हम अपने पैरों को विदाउट बेंडिंग नीज स्ट्रेट रखने के बाद परपेंडिकुलर रखेंगे फ्लोर के साथ, और अपने पैरों की उंगलियों को फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे, फीट को फ्लेक्स पोजीशन में रखेंगे। आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह से गर्दन के पीछे भी रख सकते हैं। यहाँ पे 30 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे लेके जाएंगे, और फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे। थोड़ा सा गैप लेने के बाद हम लोग फिर से इस पोजीशन को देखने वाले हैं। अगर आपको ये बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा है विदाउट बेंडिंग पैरों को ऊपर लेके जाना, आप इस तरह से बेंड करके भी अपने पैरों को ऊपर ले सकते हैं। इनहेल, यहाँ पे होल्ड करके फिर से इस तरह से भी हम नीचे आ सकते हैं।
ये हो गई हमारी विपरीत करणी आसन की पोजीशन। हमारा अगला और आखिरी आसन है मार्जरी आसन, जिसे इंग्लिश में कैट स्ट्रेच भी कहते हैं। मार्जरी आसन करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना है। उसके बाद हम अपने हाथ को पैरों की थोड़ी दूरी पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें अपने हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस चलेगा और यहाँ हम इनहेल करेंगे और अपने बैक का ऐसे राउंडेड शेप बनाएंगे और एक्सहेल करते हुए हमें आर्च बनाना है हमारे पीठ में। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये था हमारा मार्जरी आसन। इसकी वजह से हमारे एब्डोमेन या फिर बैक की जो सेल्स एकदम स्टबन हो गए होते हैं वो लूज हो जाते हैं, बॉडी में एक तरह का रिलैक्सेशन आ जाता है और हमारा माइंड और बॉडी दोनों काम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो हमारे बेटर स्लीप के लिए और जल्दी से नींद आने के लिए। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करते जाना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी फटाफट से कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप मेरे कोई भी नए वीडियोस जो है वो मिस ना करें। मैं मिलूंगी आपको बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ अगले ही वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। नमस्ते।